दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। अब आप डिसाइड करें कि आप कौन सी न्यूज़ पहले सुननी है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ की। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि पहले बैड न्यूज़ सुना दो, उसके बाद गुड न्यूज़, तो खुशी ज़्यादा दिन तक रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि शुरुआत अगर करनी है तो गुड न्यूज़ से करनी चाहिए, बैड न्यूज़ बाद में सुने, क्योंकि अच्छी खबर सुनने के बाद बुरी खबर सुनने की थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। तो मैं अपने ही रूल पर चलती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ आज की गुड न्यूज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उस गुड न्यूज़ से आपको रूबरू कराती हूँ और आप खुशी से झूम पड़ेंगे। मैं लेकर आई हूँ सलमान भाई से रिलेटेड ही एक लेटेस्ट न्यूज़, जो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल ईद पर सलमान भाई अपनी एक बिग बजट मूवी लेकर आते हैं और हम सब ईद को उनकी फिल्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हर कोई खुशी से झूम पड़ता है सलमान भाई के न्यू रोल को, न्यू एक्शन मोड को देखकर। लेकिन इस बार की ईद थोड़ी सी फीकी गई है, क्योंकि सलमान भाई ईद पर हमारे साथ नहीं थे। वो अपने घर के बाहर जरूर हमारे लिए अवेलेबल, हमें ईद की मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन फिल्मी पर्दे पर वो हमें नहीं दिखे। लेकिन उसी दिन हमारे लिए खुशी की एक न्यूज़ भी आई, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है सलमान भाई के 2025 में सिकंदर मूवी की, और उसकी शुरुआत यानी कि कह सकते हैं कि शूटिंग होनी शुरू होगी इसी मई से। और शुरुआत में केवल एक्शन सीन्स की शूटिंग होगी, 15 दिन का टाइम होगा और उसके बाद बाकी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सलमान तो मेन लीड में होंगे, इसके साथ हम जैकलिन फर्नांडिस को भी उनके साथ फीमेल लीड में देख पाएंगे। तो इन दोनों की जोड़ी तो वैसे ही सुपरहिट फिल्में दे चुकी है और सिकंदर में भी यही जोड़ी फिर से आ रही है। सिकंदर फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला, जो कि सलमान भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जो डायरेक्टर और राइटर है मुरुगो दास है, जो जिनकी बहुत सारी फिल्में हम देख चुके हैं और अब सलमान भाई ने उनका दामन थामा है। तो सलमान भाई क्या इस फिल्म में नया लेकर आ रहे हैं, क्यों उन्होंने ये फिल्म साइन की है, क्या सोच कर वो इस फिल्म को अगली ईद पर लेकर आ रहे हैं, ये सब तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो फिल्म के बारे में तो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दे दी, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी आपसे शेयर करनी है। आप सब ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, यानी 14 अप्रैल को रविवार का दिन था, सुबह 5 बजे के आसपास बाइक सवार दो बदमाशों ने करीब 4-5 गोलियों से फायरिंग की उनके घर के बाहर, जो कि बांद्रा स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभिनेता हमेशा ही खतरों से घिरे रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों उनको धमकियां दी जाती हैं, क्यों उनको जान से मारने के ईमेल्स भेजे जाते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें धमकाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो बहुत सारे रीज़न है, आप सबको भी मालूम है, अंडरवर्ल्ड इससे जुड़ा होता है, कुछ खास तरह के अभिनेताओं को उनके अच्छे काम के लिए भी धमकाया जाता है, इसके पीछे एक कहते हैं जेलेसी भी होती है। पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की भी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर 1988 में। इसके ऊपर चमकीला फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पर चल रही है। और गुलशन कुमार की मौत को तो हम सब नहीं भूले होंगे, 12 अगस्त 1997 को इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की भी हत्या गोली मारकर ही हुई थी 17 अक्टूबर 2017 में। राजस्थानी फोक सिंगर अहमद खान को भी 11 अक्टूबर 2017 में चाकुओं से गोदकर मार डाला गया था। पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह की भी गोली मारकर हत्या हुई थी मई 2018 में। भजन सिंगर अजय पाठक की पूरी फैमिली दिसंबर 2019 में अपने घर में मृत पाई गई। हरियाणवी सिंगर संगीता को भी स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज देकर मार दिया गया और 23 मई 2022 को उनकी बॉडी मिली। और सिद्धू मूसेवाला की मौत को तो आप नहीं भूल सकते हैं, गोलियों से बुरी तरह छलनी कर दिया गया था 29 मई 2022 को। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है, सलमान खान को आए दिन ऐसी धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो अब देखते हैं कि पुलिस अपना काम कितनी ईमानदारी से करती है। सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ा ही दी गई है, साथ ही ये खबर भी है कि शायद वो कुछ समय के लिए अपने घर को भी चेंज कर ले। बॉलीवुड है तो बॉलीवुड के साथ ही इस तरह की घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, और फेमस पर्सनैलिटी तो होती ही ऐसी घटनाओं से घिरी हुई। लेकिन बात सुरक्षा की भी होती है कि आखिर वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं,
तो उनकी सुरक्षा में ऐसी खामियां कैसी आ जाती है? कैसे खबर नहीं मिली कि उनके घर के बाहर ऐसी घटना होने वाली? सवाल तो बहुत सारे उठ खड़े होते हैं और सवाल करने भी चाहिए। हम फैन हैं और अपने पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस की सुरक्षा के बारे में हमें भी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और हम सब तहे दिल से चाहते हैं कि हमारे सभी अभिनेता अभिनेत्री सुरक्षित रहे और हमारे लिए अच्छी फिल्में पेश करते रहे और हम उन्हें पर्दे पर देखकर खुश होते रहे। तो अभी तो फिलहाल खुश रहिए कि 2025 में ईद पर सलमान और जैकलीन हमारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं और साथ साथ दुआ भी करिए कि सलमान भाई सुरक्षित रहें और हमेशा ही हमें अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है तो जाकर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, नहीं तो YouTube पर भी आप मुझे कमेंट्स के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।